बदलाव आना चाहिए। हम लेवल पर सारा वर्क दिखाया गया है कि आंसू आ गए देख के सर, बहुत अच्छी मूवी है। वो मुस्लिम स्टेट हो जाएगी, तो घटेगा बाकी बढ़िया से, मतलब बस दुख ना बॉयफ्रेंडों के पीछे उनके लिए सबक था। होते हैं जो मतलब मीट वीट खाने से, पर इन्हें बचपन से तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ये जाना से पहले बहुत जानकारी लेके जाना, सर बदलाव आना चाहिए। तो दिस इज टोटली रॉन्ग वो है लैक ऑफ नॉलेज के मदार के पेरेंट्स अपने बच्चों को सच्चा दे क्यों नहीं पाते हैं। कई लोग बता रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, रामायण गीता क्यों नहीं पढ़ाते हैं आजकल। सर हम तो चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें चाहे हिंदू चाहे पूरे हिंदू मतलब पूरे इंडिया में ये कर देना चाहिए कि रामायण का सब सारे बच्चों को एक कॉमन सब्जेक्ट कर देना चाहिए, कि चाहे हिंदू के बच्चे हो चाहे क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, तीनों बोर्ड में रामायण का पाठ ज़रूर कराना चाहिए सारे बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे मुसलमान के बच्चे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो रामायण होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इंडियंस का जो मतलब ये खेल किए जाते हैं जो मतलब इनके माइंड को जो इफेक्ट करके मतलब इनके माइंड को चेंज किया जाता है, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। भाई बता रहे हैं कुछ दिनों की हवा उसको सबको शांत पड़ जाएगा। मुस्लिम लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, कश्मीरी फाइल आई थी उसमें भी यही हुआ था कि शुरू में हिंदू जगह था फिर सब कुछ सो गए सबके सब, उस पर क्या बोलूं? ऐसा कुछ नहीं भैया, जो भी मतलब इसको मूवी को देखेगा उसमें हमें रियलिटी में ना उसकी अंदर से आत्मा हिल जाएगी कि सचमुच में ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ब्रेन वॉश होता है, उनके इमोशन से खेला जाता है, उनको मतलब फिजिकली भी टॉर्चर, ये सारी चीज़ दिखाई गई है इसमें कि क्या रियलिटी है क्या। सारे ग्राउंड लेवल पर सारा वर्क दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे होता है रियलिटी में। वहाँ पर कौन सी रखी जाती है जैसे आप बता रहे हो कि हवा नहीं है, ये एक तरीके की वो होती है ना ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करने का, यानी पहले ऑक्सीजन दी जाती है फिर बंदे को दिया बढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब का ये है कि एक जोश दिया जा रहा है जिससे हर एक कोई जग जाए। अब देखो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, अब हम भी हैं, हमें भी इतना डीप नहीं पता था कि ऐसा होता है रियल राष्ट्र में, केरला कर्नाटक में, तो इसमें जो हमें दिखाया गया ना वो है हवा। जैसे आप रिसेंटली देखो कश्मीरी फाइल के बाद जो हिंदुत्व का रेट है ना वो बहुत बढ़ गया है, पहले इतना लोग जागरूक नहीं था हिंदू। केरला में घट भी तो गया है। हाँ केरला तो वही जब वहाँ के CM और वहाँ के सब लोगों को बता रहे हैं कि 2024-30 तक वो मुस्लिम स्टेट हो जाएगी, तो बताओ तो घटेगा। अब ऑब्वियसली बात है कि जब हर चीज़ हिंदुत्व तो नहीं होगी, पहले कांग्रेस थी, नेक भी सपोर्ट नहीं था, कुछ भी हिंदुत्व का नहीं था। आपको भी पता होगा कि अब देखो इसमें ना तो मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, पर एक धर्म की बात है कि अब हिंदुत्व अपना जो है ना बहुत इनक्रीज़ हुआ है पिछले 2 सालों में, देखा 2-3 सालों में देखा जाए तो। इसकी वजह से मूवीज़ की वजह से पहले बॉलीवुड को बहुत नीचा दिखाया जाता था। आपने वो देखी होगी वो रणबीर कपूर कौन सी मूवी आई थी, पद्मावत नहीं, शमशेरा में जो उसने रोल किया है बॉबी देओल, कौन है वो विलन का, उसमें किसने रोल किया है, संजय दत्त ने, उसका तलाक पूरे त्रिपुंड बना के करता है। अब ये एक तरीका धर्म विरोध है देखो। अब धर्म विरोध कब से होता हुआ आ रहा, कभी किसी हिंदू ने इतना जवाब उठाया नहीं उठाया। 2 मूवी मुस्लिमों पे बनते ही ये देखो अब कितना विरोध, केरला में बैन कर दी गई, तमिलनाडु महाराष्ट्र में भी कई थिएटर्स में पोस्टर फाड़ दिए गए, एक ऑटो ड्राइवर को भी मार दिया गया जो केरला प्रमोट कर रहा था। और ये क्या चीज़ है, जब खुद पर उन पर वीडियो बन रही है, रियलिटी दिखाई जा रही है, तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब हम इतने सालों से हम लोग सह रहे थे, हिंदू सह रहा था, तब तो कुछ हुआ नहीं था, तब ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो ये तो एक है ना कि ये एक जगह जा रहा है और कुछ नहीं, ये तो सब फेक है कि हवा नहीं है, ये एक तरीके का इंजेक्शन बूस्टर दिया जा रहा है लोगों को कि जागो, अब नहीं जागो तो कब जागोगे। बहुत सारी मूवियों में 786 का वो जलवा दिखाया जाता है, कुछ ऐसा होता है, पर किसी भी मूवी में अब तक भगवा रंग या कोई किसी वैसे का जलवा दिखाई नहीं गया। 786 हर मूवी में जलवा होता है कि उससे वो एक्टर बच गया, उसकी जान बच गई। अभी तक कोई भगवा रंग का या कुछ वैसे हिंदुत्व का कोई जलवा तो दिखाई नहीं गया मूवी में, किस भगवान की वजह से हुआ ये हुआ। कि बहुत सारे मूवियों में PK आई थी, उसमें पत्थर रख के उसे कितना वो अपमान किया गया था। जो बाबा बैठे हुए थे वो एक कैसे बैठे हुए हैं, उनको चोलंग लेके भाग गया, शिव जी को भाग, ये सब एक बॉलीवुड का नेपोटिज्म है, सब नेपोटिज्म। तब भी तो सोचना चाहिए मुसलमान लोगों को। अब हिंदू धर्म में पाखंड होता है, मतलब हिंदू धर्म में बाबा ये सारे करते हैं, अल्लाह के नाम पर ये चादर ले लेके रोड पर मांगते हैं अल्लाह, मतलब आपने वीडियो क्लिप सब काफ़ी देखी होंगी जो वायरल हो रही है। और धर्मों की जैसे चर्च में कोई पादरी ऐसे हाथ रख देता है तो पागलों की तरह से घूमने लग जाते हैं। हिंदू धर्म में बोलते हैं केवल कि इनका ये सारा नाटक चलता है कि कोई भी भगवान वो बागेश्वर धाम बाबा के चलता है, उनका कितना कर रखा है कि मतलब ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब एक मतलब बंदा जो कर रहा है कुछ भी कर रहा है, ना कोई पैसे ले रहा है ना कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे सारी मीडिया पड़ गई है क्योंकि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है। हिंदुत्व क्योंकि जब तक हिंदुत्व नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, तो हिंदुत्व जब जगाया जा रहा है ना तो कुछ लोगों को कीड़ा हो रहा है कि ये हिंदुत्व आ क्यों ना आए, लोगों के अंदर वैसी फीलिंग आ क्यों रही है। उनके बारे में बोला जाता है ये बिहार में उन्हें रोक लगाने के लिए बोला है, कुछ ऐसा कुछ है, एयरपोर्ट पर जाने जाएंगे आज वो पहुँचे वहाँ पे, तो वो सिर्फ हिंदू जगाने की बात कर रहे हैं और लोगों को कीड़ा लग रहा है, उसका क्या है। क्या कोई केवल भाई इस मूवी के अंदर जो एक पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा इस मूवी के अंदर कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं मुसलमानों को, उन्हें शुरू से नवाज शरीफ की शिक्षा देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, बट हमारे हिंदू जो है वो कभी सच्चा नहीं देते नहीं है, वो ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की ओर। यही तो कट्टरता है, यही तो दिखाया है, ये कट्टर बनाते हैं अपने बच्चों को, स्टार्टिंग से ही सिखाते हैं। इनकी पढ़ाई कहाँ होती है? हमारी पढ़ाई होती है CBSE बोर्ड कॉलेज में या किसी और स्कूल में होती है, इनकी मदरसों में होती है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? ABCD नहीं, यही सारी चीज पढ़ाई जाती है, लव जिहाद, यही सारी चीज बताई जाती है इन्हें स्टार्टिंग से। तो इनका ऐसा अंदर से ही बन जाता है स्टार्टिंग से कि मतलब हम कर रहे हैं, मारने से इन्हें डर नहीं लगता है बचपन से। मतलब ऐसे अब हिंदू है, मतलब कई ब्राह्मण वाम होते हैं जो मतलब मीट वीट खाने से, पर इन्हें बचपन से ऐसा होता है कि बकरे को हलाल कर दिया या ये कर दिया तो इन्हें मारने में इतना ज़्यादा वो नहीं होता संकोच। हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ नहीं सिखाई गई है, कोई भी भगवान ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मार रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा कहीं करते हुए नहीं दिखाया गया है। ये होता है गलत। ये भी है कि लोग क्या है कि घर के पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, आजकल इंसान पैसा के पीछे भाग रहा है। कोई ये नहीं चाह रहा कि मेरा बेटा ना हिंदुत्व जागे या ना थोड़ा कल्चर के धार्मिक बने, वो नहीं, पैसा कमाए कॉन्वेंट में डाल देते हैं। कॉन्वेंट का मतलब नहीं पता, कॉन्वेंट में डाल देते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है जो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मदरसों के लोग जैसे जो बच्चों फादर्स में नहीं दिए, अनाथ लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था। अब हर एक को अपने पेरेंट्स को कॉन्वेंट में इंग्लिश सिखा रहा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश को मतलब हवा बना दिया है, इंग्लिश नहीं आई। इंग्लिश के चक्कर में लोग हिंदू नहीं बन रहे, हिंदू नहीं बने। धार्मिक ग्रंथ महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे माना जाता है महाभारत, कोई नहीं पढ़ता। रामायण भी, अब तो ये लॉकडाउन में जो चैनल चलाया था फ्री रामायण, ये बहुत सही चलाई थी, पर अब क्या करें, जो बच्चे जाग रहे हैं। अब हमारे घर वाले शुरू से कहा बेटा पूजा पाठ बिना वाला कुछ मत करो। तो सबसे पहले देखो, कहीं हो आप डायरेक्ट तो बड़े नहीं होते, घर से नींद डाली जाती है। तो जब तक घर से फोर्स नहीं आएगा पूजा पाठ करने का, सबसे मेन होता है कि पेरेंट्स को रोल दिखाना पड़ेगा इस चीज़ में। बच्चा अगर जो 12 साल 10-15 साल का समझदार हो गया तो वो अपना कर लेते हैं, पर उन्हें तब भी तुम्हें तरीका दिखाना पड़ेगा कि ऐसे करो। अब बहुत सारी वीडियो बच्चों को दिखाया जाता है कि अच्छा वो कृष्ण जी का वो भजन सुना के अच्युतम केशवम वाला सुलाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़वाते हैं, तो ये चीज़ नीम शुरू से डाली जाती है। अब पेड़ एकदम तो बड़ा नहीं होता, नीम डाली जाती है, तो वही हिसाब है कि अब जब तक हिंदुत्व में बच्चे को शुरू से नहीं सिखाओगे ना तो वो कैसे जागेगा। मुसलमानों में यही चीज़ होता है कि वो शुरू से सिखाते हैं। बच्चा उनका 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है, तो अब अपने हिंदू में मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूरा मचाएंगे पर सब, पर उन्हें एक डिसेंट वे में नहीं सिखाते। घर बैठा के एक देखो 24 घंटे में से अगर तुम आधा घंटा भी से पूजा करवाने के लिए अपने साथ बैठा लोगे ना, कुछ बड़ी बात नहीं होती, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। आप कोई बताओगे ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के घर में पूजा होती होगी, हर किसी के घर में होती है पूजा। हिंदू कोई भी हिंदू एक कुछ ना कुछ दिया तो जलाएगा, अपने साथ बैठा के जला ले, इसमें उतना क्या जा रहा है, कुछ नहीं। हनुमान चालीसा ये डेली के पाठ कराओगे तो अपना धीरे धीरे सब इंक्रीज हो जाता है। ये होता है भाई, ये मूवी जो है इसके अंदर एक दो सीन थोड़े अडल्ट सीन है वैसे थोड़े बहुत, है ना, जो बताते हैं आजकल जो माँ बाप है बच्चों से देखने में कंफर्टेबल नहीं है, असहज महसूस करते हैं। हालांकि उन सीनों को ना मूवी अधूरी है, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो फिर मूवी रियलिटी के सामने आएगी। उनके बारे में क्या बोलो, देखो ये तो है, पर देखो ये तो बात तो आपने सही कही कि एडल्ट सीन है। अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि बच्चे अपने बाप के संग बैठ के ऐसे सीन देख रहे हैं, ये है हिंदू कल्चर। ये अब एक बात बताओ, जब मतलब उन्हें अपनी बैठार के साथ बैठे सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो वो उसे कैसे मासूम बहना पड़ेगा कि अदर कल्चर में तो ऐसे गंदी सीन होते हैं। और मूवी आती है बहुत होती है, मूवी जिनमें गंदी सीन होते हैं। बॉलीवुड तो वो बहुत सारी मूवी बनाता है ऐसी, और यही मूवी कौन दिख रही है, बहुत सारी मूवी आता है। यही पे क्यों कमेंट कर रहे हैं और मूवियों पर कमेंट करें, क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर? कुछ मूवीज होती हैं, इमरान हाशमी की मूवीज़ आती हैं, उनमें ऐसे काफ़ी वल्गर सीन रहते हैं, उन पर तो कुछ नहीं बोला जाता है, उनको तो जाके देखते हैं। पर ये बोल रहे हैं घर वालों के साथ जाके देखते हैं, अगर ये रियलिटी नहीं दिखाएंगे कि जो भी होता है इनके साथ, अगर ये रियलिटी नहीं दिखाएंगे तो अंदर से पता कैसे चलेगा। जो अंदर से खून में उबाल आता है ना, कि जो गर्मी आती है ऐसी पता चलती है, ऐसी चीज़ों को देख के ही वो पता होता है कि हाँ रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इन सीन्स को हटा दिया जाए तो हाँ लोग देखेंगे, और देखने के बाद कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है भूल जाएंगे। पर ये अगर सीन्स देखेंगे तो उनके माइंड में ये रहेगा अगर हाँ ऐसा होता है तो ये कितना गंदा सीन है, तो उनके दिमाग में बैठा रहेगा कि अपनी बेटी बच्चियों को इस चीज़ों से बचा के रखना है, उन पे वो ध्यान देंगे लोग। तो ये सारी बात कि अगर एक बात बताओ, जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तो उसके मार नहीं पड़ती, वो सुधरता है। जब तक उसको हम कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे गंदी, तो वो कैसे समझेगा। अब देखो बच्चा कुत्ते के साथ, आग के साथ खेलते हैं, देखो छोटे बच्चे के मोमबत्ती को पकड़ते हैं, जल जाएंगे फिर नहीं खेलेंगे, फिर कभी मोमबत्ती को नहीं पकड़ते। क्यों? उन्हें पता है कि डेंजर है। तो जब तक उन्हें उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं कराएंगे तो वो कैसे काम होगा, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि हमारे सही है कि गलत है। तो ये तो रेडिकुलस चीज़ है कि ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ने क्या, मैं तो कोई भी होश के साथ देख लो, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी आएंगे देखने से, कोई बेस्ट बात नहीं है। ये तो हमें जागरूक करने के लिए है कि हाँ के अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं तो उन्हें पता है कि अगर हमारे साथ हुआ तो उन पर कैसी बीतेगी। उसमें यह भी तो दिखाया कि उनके पेरेंट्स पर कैसी बीतती है। उसका पापा जो उसमें लड़की है, वो जो क्रिश्चियन लड़की होती है मैथ्यू करके, वो तो उसमें चले जाते हैं, उसके पापा ट्रॉमा में। ये भी तो फील होता है, तो ये क्यों नहीं लोग देखते, ये क्यों देखा है कि एडल्ट सीन है। भाई ये भी तो देखो कि जब तुम कोई गलत कदम उठाते हो तो पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़की सुसाइड कर रही है, वो तो वो भी देखें क्या क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे, ये तो थोड़े बहुत केस दिखाए गए हैं, मैंने न्यूज़ पे देखा था। बहुत सारे केस के बारे में, एक लगभग 5000 केस के बारे में तो रिपोर्ट भी है। नहीं 5000 केस की रिपोर्ट है, पर वही है ना कि गवर्नमेंट अब जो गवर्नमेंट है वो कर रही है तो उसके खिलाफ जा रहे हैं लोग, और जो नहीं करती है वो उनके लिए राजा है। वो जैसे वो आप बोले कि 75 साल वाला सीन वो हो जाता है कि कांग्रेस थी कुछ नहीं कर रही थी तो भली थी, और जो करने लगी है वो बेकार है, ये वाला सीन हो जाता है भैया। और भाई कोई लोग कमेंट करें कि इस्लामी सत्य है, इसके बाद कुछ नहीं है, क़यामत के दिन आने वाले हैं, इस्लाम कबूल कर लो, उनके बारे में क्या बोलोगे। इसके बिना ये कुछ टाइम की हवा है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, हिंदू फिस हो जाएगा। हवा का तो कोई झोंका नहीं है, हवा है कुछ भी मान लो। अब एक तरीका बूस्टर है ये। अब इस्लाम, रही बात इस्लाम की, तो वो तो देखो अभी हम हैं हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, दिल से कह रहे हैं कट्टर हिंदू हैं तीनों के तीनों भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात। और रही बात इस्लाम की, इस्लाम कितना साल पुराना हो, जहाँ से 1000 2000 हमारा सनातन धर्म की कोई सी भी नीम उठा के देख लो, कोई सा भी आर्किटेक्चर, जगन्नाथ टेम्पल से लेकर ईस्ट से लेकर सोमनाथ से लेकर वहाँ तक, जगन्नाथपुरी से लेकर कश्मीर तक, कोई सा भी केस, कोई सा भी माँ ज्योतिर्लिंग, कोई सा भी मंदिर, कुछ भी उठा के देख लो, अगर वो उसकी अगर कार्बन डेटिंग करने के बावजूद अगर 1500 20 500 100 BC का टाइम का अगर नहीं निकला तो चैलेंज। अब बताओ इससे पुराना कुछ क्या हो सकता है। लोग बोल रहे हैं क़यामत आने वाली, देखते हैं कितनी क़यामत आएगी, जिंदा ही है अब, तुम मर थोड़ी रहे हैं अभी। क़यामत आने वाली है, क़यामत आ कैसे जाएगी जब अपने संकट, वो बोलते हैं ना संकट मोचन महाबली हनुमान है ना, तो संकट सब झेल लेंगे वो, इसलिए तो बोलते हैं संकट सब झेल लेते हैं। चलो भाई, थैंक यू भैया।